पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 28 तारीख के बाद से बिहार भाजपा के सुर बदल गए हैं। देखिए, लगातार हम आपको खबरों में दिखा रहे हैं किस प्रकार जब नीतीश कुमार के खेमे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता आते हैं, एनडीए की सरकार बनती है, तो वही दो जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, तीखी टिप्पणी कर रहे थे, बंचों से बड़े बड़े जो है शब्द निकाल रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, आज वही दोनों नेता नीतीश कैबिनेट के मंत्री बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि आपने देखा कि नीतीश कुमार ने जब विभागों का बंटवारा किया और उसके बाद से जो बातें निकल कर आ रही हैं, मांझी जी काफी ज्यादा गर्म है, चिराग पासवान नीतिगत विरोध में दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो उन कद्दावर नेताओं को आखिर हो क्या गया है? आप देखिए कि पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक है। भारत लाइव ही एकमात्र चैनल है जो आपको लगातार बड़े अपडेट्स बताते रहा है कि राजनीति किस प्रकार बिहार की पलटी है और आने वाली जो संभावनाएं हैं उसके बारे में बाबा ने आपको बताया है कि आखिर वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने एक भीगी बिल्ली की तरह बनके रह गई है। देखिए, नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं, जिस भी गठबंधन में जाते हैं, उस गठबंधन के घटक दलों को चुप्पी साध लेता है। हमने कुछ दिन पहले विजय कुमार सिन्हा से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई अभी हम तमाम जो बातें आप पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन देखिए, आज एक बड़ी अपडेट्स के साथ, बड़ी बिग ब्रेकिंग के साथ हम आपके सामने आए हैं। सुशील मोदी को देखा होगा आपने कि जब पिछला जन्मदिवस उसका मनाया जाना था और जब बात चल रही थी कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहा तो यह भी जा रहा था कि जो सरकार बनी है उसमें सुशील मोदी की बहुत बड़ी जो है भूमिका है। माना यह भी जा रहा था कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने यह शर्त रख दिया है कि अगर एनडीए गठबंधन बनेगा और नीतीश कुमार इसमें शामिल होंगे तो सुशील मोदी भी उसमें डिप्टी सीएम बनेंगे, लिस्ट भी दे दिया गया था। लेकिन देखिए, बाबा ने आपको बताया सबसे पहले ये बात, और नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया। चिराग पासवान, सुशील मोदी, इन तमाम जो लिस्ट भेजे गए थे उन लिस्ट को तुरंत ही मिनटों में बदल दिया गया। जब नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए जाते हैं तो उनके पास एक नई लिस्ट जो है थमा दी जाती है। और आपको बताते चले, सुशील मोदी जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए थे, एक का एक जो है विराम लग जाता है और बिहार में दो प्रमुख चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सुशील मोदी का होगा क्या, सुशील मोदी क्या करेंगे? तो सुशील मोदी बयानों के लिए जाने जाते हैं, पुराने मुर्दे उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं, और आज फिर से सुशील मोदी ने एक बड़ा हमला, देखिए इतने दिनों से चुप्पी के बाद सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला कर दिया है। देखिए, उन्होंने बयान जारी करके कहा है, तेजस्वी यादव यदि शेर के बेटा है तो सुप्रीम कोर्ट में माफी क्यों मांग ली? पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि यदि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने को शेर का बेटा बताते हैं तो गुजरातियों को ठग बताने वाली अमर्यादित टिप्पणी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर, माफी क्यों मांग ली? श्री मोदी ने कहा कि विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के डर से तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी की तरह लिखित क्षमा याचना कर अपनी गर्दन बचा ली। यदि वे लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने का दंभ भरते हैं और बड़बोले बयान देते हैं तो झुकने की बजाय अपनी बात पर अड़े रहते। देखिए, ये स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा, जो तमाम जो बातें ट्वीट किया है उन्होंने वो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहा था और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। देखिए, श्री मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी 5 देश रत्न मार्ग वाला सरकारी बंगला खाली न करना पड़े, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फरकार सुननी पड़ी थी और 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा था। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देने और फिर कोर्ट में माफी मांगकर सजा से बच निकलने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश कैसे लगे, इस पर देश की शीर्ष न्यायपालिका को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
मोदी जी ने आगे यह भी कहा कि लोग लोकतंत्र बचाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही अपने अमर्यादित और द्वेषपूर्ण बयानों से लोकतंत्र को बार बार कलंकित कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव खेला होने की बात करते हैं, सरकार जब से उनकी गई है और एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, उन्होंने कहा खेला होगा। सम्राट चौधरी ने उनको जवाब दिया, अगर खेला चाहते हैं तो हम खिलौना देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए इस सियासी उठापटक में सुशील मोदी भी बयानों से चर्चा का केंद्र बने रहना चाहते हैं। और देखिए राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, चर्चा तो यह भी है सुशील मोदी फिर से एक बार बिहार में लाए जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जाते हैं बिहार में आते हैं या फिर कुछ और जो है बड़ी जिम्मेवारी उनको दी जाती है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।